वेलकम बैक। जैसा कि आप देख सकते हैं, कासिम ज़िया साहब यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं। उनको अपनी बेगम के पास जाने की जल्दी थी, या शायद खौफज़दा होंगे कि कहीं इस हुस्न को देख के ईमान डगमगा ना जाए। और शाहिदा मेरी जान, वी डिसाइडेड टू कम एंड सिट क्लोज टू ईच अदर। आई वॉन्ट टू लर्न ऑल हर सीक्रेट्स फ्रॉम हर। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे शाहिदा, लेकिन आज तुम्हारे लिए और अपने देखने वालों के लिए मैंने दो बहुत ही अजीम शख्सियात को अपने यहाँ दावत दे रखी है। ये लोग अजीम इसलिए भी हैं क्योंकि इस अजीम शहर लाहौर की ये दोनों आन हैं और शान हैं, और लाहौर की तकमील करते हैं। आई टेक द नेम्स एंड आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद मी ऑन दैट। संगीता एंड अबरारुल हक, स्टेप राइट इन। कैसी हो? बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा खुशी हो। क्या हसीन लग रही हैं आप, कितने अरसे बाद देखा मैंने तुम्हें। मुझे वो अच्छे दिन याद आ गए जब मरहूम मुझे फिल्में दिखाने ले जाया करते थे और तुम फिल्म स्क्रीन के ऊपर, यू आर लाइटिंग द बिग स्क्रीन एंड यू आर एवरीवेयर। संगीता, यू स्टिल आर। मैं बदली तो नहीं ना, पहले जैसी ही हूँ ना? बिल्कुल पहले जैसे। हे जान, पर यू पुट ऑन अ लिटिल वेट। क्या आजकल हाई फैट डाइट पर हो? पहले बहुत ज़्यादा मोटी थी, अब तो बच्चों हम दोनों लड़कियों को ना अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारी उम्र अभी ढली नहीं, जो मर्जी बोलता रहे। yes, हाँ। और अबरार जी, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, सारी जिंदगी बिल्लो दे घर जाने की बातें करते रहे और बेगम को उठा के घर ले आए। कोई बिल्लो मिली कि नहीं मिली? वो तो एक इमेजिनरी करेक्टर था। कहाँ मिलते हैं? मैं खुश होती रही अबरार कि तुमने मेरे लिए लिखा था वो गाना। और भी बहुत सारी लड़कियाँ खुश हो रही थी। क्या तुम मुझे और लड़की जैसे समझते हो अबरार? उनसे बहुत अच्छी। और मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ, कितने ज़बरदस्त प्रोग्राम के सिलसिले में। और ये भी बताना चाहता हूँ, मैं और संगीता जी भी बात डिस्कस कर रहे थे कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी इस प्रोग्राम को मिली है पिछले चंद महीनों में, कि आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। तो अब आप उन लड़कियों जैसी नहीं रही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट यहाँ हम मेरे बारे में नहीं, बसंत के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। जब मैं जानती हूँ कि बसंत से ज्यादा हसीन हूँ मैं। बसंती जब बैठी हो तो बसंती के बारे में भी। बसंत से काम तो नहीं। अबरार, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है, तुमने तो सहारा का सहारा ढूंढ लिया, मैं बेचारी किसका सहारा लूँ? आप सहारा का? हाउ डिड सहारा कम अबाउट इन योर लाइफ? मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था 1996 में। एक नेचर में शुरू से था, अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर वाज अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट, और उन्होंने ये इनकल्केट की ये चीज़ हमारे अंदर। लेकिन जब मौका मिला इतना बड़ा, लोग गाने भी सुनते थे, बात भी सुनते थे, तो दिल किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो इंसानियत के काम आए, क्योंकि हम सब जाने वाले एक दिन, तो कुछ आइंदा आने वाली और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि वो अस्पताल जो 35 करोड़ रुपए की लागत से बना, उन लोग उसको देख सकते हैं टेंजिबल फॉर्म में, ना सिर्फ के बना बल्कि चल रहा है। और अभी तक लाखों मुस्तहिक लोगों का मुफ्त इलाज कर चुका है। आई एम ग्रेटफुल टू थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। बीमार तो खैर मैं भी हूँ, इलाज की ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा इलाज तुम्हारे अस्पताल में नहीं हो सकेगा। आप आइए, हम दिल वाला वार्ड शुरू करने वाले हैं। और क्या मेरे पर्सनल मॉलेज तुम खुद ही होगे? नहीं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, मैं तो चीर फाड़ करके रख दूंगा। हाय शाहिदा, टुनाइट मस्ट बी माय लकीएस्ट नाइट। ओह गॉड, आई लव दैट अप्लाज। बाय द वे संगीता, मुझे एक बात बताओ, ये आजकल इतनी नई नई लड़कियों को तुम फिल्मों में लेकर फिल्म बना देती हो, कब से हमारी पुरानी दोस्ती इतना नहीं हुआ कि एक फोन करके मुझे कहती कि नाजी आके मेरी एक फिल्म में काम कर ले। कोई बात नहीं, देर नहीं हुई, अब आ जाओ। हाय, तेरी मेरी डील फिर हो गई है, फाइनल फाइनल। आई एम कमिंग टू एक्ट इन योर फिल्म। ओके, हाँ। अच्छा, टेल मी, बट फ्रॉम एक्टिंग टू डायरेक्शन, कैसा लगा ये ट्रांजिशन? और असल में एक्टिंग का शौक मुझे नहीं था,
एक एक्सीडेंट के तौर पे मैं आ गई एज ए आर्टिस्ट. जब मैं एज ए आर्टिस्ट काम करती थी तो मैं डायरेक्टर्स की तरफ देखती थी, इसकी कितनी बड़ी जॉब है और कितनी रिस्पेक्ट है इसकी. तो मैं उसको देखते हुए मुझे वो शौक पैदा हुआ और मैं हर डायरेक्टर को वॉच करती कि उसकी टेकिंग क्या है. और आप यकीन करेंगे मैंने कोई असिस्टेंट ही नहीं की, डायरेक्ट डायरेक्शन की. और पहली फिल्म मैंने बनाई सोसाइटी गर्ल, जो सुपर डुपर हिट थी. आई रिमेम्बर तुम्हें याद है शायद. व्हाट अ फैबुलस फिल्म. यू रिमेम्बर अब्रार, आपने देखी सोसाइटी गर्ल? मैंने नाम सुना था उसका. इट वाज सच अ फैबुलस फिल्म. मैंने भी काम संगीता जी आपकी डायरेक्शन में किया, उन्होंने मैसेज दिया. पहले फिल्म से करने वाली हूं काम. गीता ने वादा किया मुझसे, नेक्स्ट मैं कर रही हूं. फिर मैं तो कुछ जान ये वादा निभाती है. कितनी मजे से एक अच्छी खासी एंटरटेनिंग फिल्म को सबक आमोज फिल्म बना दिया संगीता. वैसे एक डायलॉग तुम्हारी फिल्म का मुझे बहुत पसंद आया, मैं बोल्ड जरूर हूँ पर बच्चलन नहीं आ. ये किसने लिखा था? जाफर अली साहब ने, राइटर थे. व्हाट एन एंटरटेनिंग डायलॉग. अब्रार, योर सॉन्ग्स हैव बीन यूज्ड इन पाकिस्तानी फिल्म्स. तुम देखते हो पाकिस्तानी फिल्में? सच पूछे तो बहुत कम इत्तेफाक हुआ है. इनफैक्ट फिल्म देखने का ही टाइम नहीं मिलता. मेरी फिल्म थी एक निकाह जिसमें इनका गाना था, जीटी रोड पे ब्रेकअप लग गया. जानी मैंने जाके खुद देखी निकाह. सिनेमा में मुझे तो इतनी पसंद आई वो. मैं गाना निकाह मैंने सुना, अच्छी भी गई थी. इट वाज अ ब्रिलियंट फिल्म, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी फिल्म. खैर अभी बसंत का मौका है, खुशियों की बात है, गुरबतों की बात है. अब्रार, हाउ डू यू एज अ लाहौरी? यू आर अ लाहौरी. आई एम नॉट अ लाहौरी बेसिकली, बट आप कह सकती हैं इस हवाले से कि आजकल चूँकि काफ़ी अरसे से मैं पिछले 10-12 साल से लाहौर में हूँ, तो इन अ वे हूँ ही. मगर माय पेरेंट्स फोरफादर्स बिलोंग टू नारोवाल और फिर फादर सिविल सर्विसेज में थे, तो जहाँ जहाँ वो जाते रहे हम लोग पाकिस्तान भर घूमते रहे. तो एक हर मुल्क मास्क के मुल्क है, खुदा है मास वाली. आई नो जानी, बट तुम्हें देख देख के मुझे लाहौर वाली गर्मी महसूस होती है. मुझे बताओ कि हाउ डू यू व्यू बसंत, तुम्हारे लिए बसंत क्या मायने रखता है? मेरे ख़्याल में एक ताज़ा हवा का झोंका है और कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों से, अपनी टेंशन से निजात हासिल करने का. एक कंट्रोवर्सी इस साल बसंत के हवाले से ये भी है कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा एक यू नो देयर वाज सच अ ग्रेट नेशनल डिज़ास्टर, और क्या इस डिज़ास्टर की बैकड्रॉप के को जानते हुए, जहन में रखते हुए हमें बसंत मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट अब्रार? मैं कहूँगा कि पूरी कौम ने जिस यूनिटी का मुजाहरा किया है अर्थक्वेक पे, तो कौम को अप्रिशिएट करना चाहिए. जिन लोगों का रोज़गार इस छोटे से इवेंट से मुंसलिक है वो दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह ये हो जाए. ये सिर्फ़ एक खुशी का लम्हा नहीं है इन लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा ताज़ा हवा का झोंका ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए रोज़गार का सामान भी है. सारा साल लोग इंतज़ार करते हैं कि गुड्डी का मौसम आएगा तो हम डोर बनाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे, बच्चों की रोज़ी कमाएंगे, पूरा साल चलेगा रोटियां. इसी तरह गुड्डी बनाने वाला भी सोचता है और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है. तो मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ. मैं कहता हूँ खुशी का लम्हा न जाने दें, उनको भी अपने साथ शामिल करें इस हवाले से. और आप ये ज़रूर करें कि आप, मैं तो कहता हूँ उस इलाके तक इस चीज़ को लेके जाएं ताकि उन इस वक्त हमें खुशियाँ बिखेरनी है, स्माइल्स बिखेरनी है, उनको वो गम भूलने के लिए हमें भी कोशिश करनी है उनके साथ. मुझे याद है जब हम गए थे उनके साथ, मैंने उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेली थी, उनको लतीफ़े भी सुनाए थे हमने, जोक शेयर किए थे, हल्ला गुल्ला किया, ताकि वो उस वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिस बला का नाम है उससे थोड़ी देर के लिए बाहर आए वो उनको. तो ये भी एक उस तरह से, और उनको ये दिखाएं, उनको टेलीविजन सेट्स पे दिखाएं क्या हल्ला गुल्ला हो रहा था, कि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकलें. मैं नहीं बिलीव करता कि अब एक परमानेंट गम के अंदर और शोक के अंदर चले जाएँ. ईद भी आई है, हम लोगों ने, हमारा रिलीजियस त्यौहार था, हमने उसको मनाया है बड़ी सादगी से, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको उन लोगों को भी उनको भूलने में मदद करें. लेकिन ये हम लोग ना भूलें कि उनकी मदद हमें एक लंबे अरसे तक के लिए करना है, ताकि एक रिहैबिलिटेशन और जो रिकन्स्ट्रक्शन का दौर है उसमें हम बेहतरी का कुछ सामान पैदा करें. बस अपनी खुशियों में उनको याद रखना चाहिए. बिल्कुल सही कह रही हो. लेकिन इतना हैंडसम, इतना नौजवान आदमी मुझे इतनी सीरियस बातें करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. कुछ शरारती बातें भी करो ना.
कमिंग टू यू, वैसे इसने इतनी जो लंबी अच्छी सी तकरीर की थी उसके अंदर अब्रार की दो वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगे. एक इकोनॉमिक्स की तुमने बात की, एक तुमने एक्टिविटी की बात की. यू नो आई एम वेरी एक्टिव एंड आई बिलीव इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और वैसे भी मैं बहुत इकोनॉमिकल हूँ. तो चाहो तो मिल सकते हैं बाद में. संगीता, कमिंग टू वर्ड्स यू, हाउ डू यू सेलिब्रेट बसंत? मैं जितने भी त्यौहार हैं बहुत खुशियों से मनाती हूँ, और क्योंकि इतने गम है ज़िंदगी में कि त्यौहार बहुत कम है. पर जान, मुझे तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गम है और वो तन्हाई का गम है. तुम्हें क्या गम है संगीता? हर वक्त घिरी रहती हो लोगों में, ग्लैमर सर्कल्स के अंदर, हीरोइंस, हीरोज, हर वक्त घिरी रहती हो अच्छे लोगों में. तुम्हें क्या गम हो सकता है? नहीं, जब रात को घर जाती हूँ फिर वो सारी रील चलती है पिछली, तो वो गम ही होता है. सारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है. मेरे अपनों में मेरे अपने अजीज़ हैं ये, जिस स्टूडियो के लोग हैं ये मेरे ही सब कुछ हैं ये. इन्होंने ही मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है. आज मैं यहाँ जो बैठी हूँ इन लोगों की वजह से हूँ, मैं अपनी आवाम की वजह से यहाँ पर बैठी हूँ. संगीता, मुझे बताओ कि मोहब्बत तकलीफ दे क्यों होती है? मैं ये समझती हूँ मोहब्बत का मतलब ये होना चाहिए कि एक दूसरे को हासिल ना करें, तो वो मोहब्बत अमर होती है. जब हासिल हो जाती है तो वो मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं रहता है. बिल्कुल सही कहती हो. मैं भी ये समझती हूँ कि बेकरारी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए. होनी चाहिए, सारी ज़िंदगी उसको याद करते हैं. अगर दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, आग दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए. क्यों अब्रार? कितनी रोने धोने वाली बातें कर रही हैं आप. है तो तुम हंसाने वाली कर, मुश्किल बातें कर रही ना. तुम हंसाने वाली कर दो. हो गई है मोहब्बत छोड़ों का नाम है. नहीं, ऐसा तुम नहीं क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आप कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल और खर्चा भी मुझे बता रहे थे. मतलब इतनी सारी चीज़ों में आप लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं. आप एक साइड पे रहे ना, एक मौके को तैयार करें. तो तुम क्या जानते हो? मैं इख्तलाफ करता हूँ आपसे इस मौके. तुम एक बारी नहीं 100 बारी इख्तलाफ करो. मैं तुम्हारा हर इख्तलाफ सहने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा हर एतराज़ सहने के लिए तैयार हूँ. तुम कुछ करने वाले तो बनो. मोहब्बत की कभी? फिलहाल मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ. आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, सच्ची मोहब्बत का मफहूम तुम समझते हो क्या कि कभी? मैं समझता हूँ. मेरे ख्याल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सच्ची मोहब्बत है. दुनिया की किसी चीज़ से भी आप वो हो सकती है. और दरअसल वो आई डोंट वांट टू साउंड बोरिंग, बट सच्ची बात तो सच्ची बात ही होती है. आई फील एंड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये मोहब्बत रब की ज़ात के साथ होती है. चाहे आप वो किसी लड़की के साथ भी क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली आप उसमें रब की सूरत देख रहे हो. संगीता, यू नॉर्मली द फिल्म दैट यू मेक, उसके अंदर कोई ना कोई इशू को तुम ज़रूर साथ लेकर चलती हो. पहले तो मुझे ये बताओ कि फिल्में बनाना, मैंने सुना कि ख़ुद एक बहुत बड़ा इशू है. बहुत मुश्किलात होती हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर. बहुत सी दुश्मनियाँ मोल लेनी पड़ जाती हैं, बहुत से इख्तलाफात हो जाते हैं. ये वाले नहीं, वो सीरियस वाले. ये तो अभी ऐसे ही कह रहा ना, मान जाएगा. तो उसका बताओ मुझे कि कैसा, बहुत मुश्किल होता है? पहले बहुत मुश्किल होता था, अब सारा कुछ अंडर कंट्रोल है. अंडर हूज़ कंट्रोल? जानने मुझे भी बताओ कि कंट्रोल किया कैसे तुमने? प्यार मोहब्बत से. अच्छा, प्यार में बहुत ताकत होती है. मेरे जितने आर्टिस्ट हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं. मैं उन्हें गुस्सा भी होती हूँ, उन्हें पता है ये वक्ती गुस्सा है. एक ही चीज़ पे मुझे इख्तलाफ होता है कि लेट आना, जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती. जो होता था सेट पर संगीता जी तो बस बरस पड़ती थी. एक मैंने कभी मौका नहीं दिया, कभी मुझे नहीं. असल में बताइए क्या, हम लोग चाहे 4 बजे सोएं, 6 बजे सोएं, मैं सुबह 9 बजे उठ के 10 बजे तक तैयार होकर घर से निकल जाती हूँ काम पे. अब मैं काम पे जाके बैठूंगी, आर्टिस्ट 2 बजे आएगा, वो बर्दाश्त नहीं होता. हाय जान, लेट आना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ लेट जाना अच्छा लगता है. आज आप लेट थी. आज आप लेट थी. हाँ, मैं दूसरे वाले लेट की बात कर रही थी संगीता. ये बात किसी और के कानों के लिए थी. ऊंचा बोल दिया जरा सबके सामने. अच्छा मुझे ये बताओ एक, प्लीज़ आपस की बात, अपने दोनों बैठे हैं बीच में, ये लैला और रेशम की क्या लड़ाई हो गई थी? मुझे रेशम कहती है कि उसने तुम्हारी कोई फिल्म साइन की जिसमें उसका यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था. पहले तो ये बताओ कि हाउ, कैसी परफॉर्मेंस थी रेशम? बहुत अच्छी. मैं ये समझती कि उस रोल के लिए रेशम ही फिट है, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो नदीम, रेशम और बबरिक पे थी. पहले ससुर और बहू की टसल थी, फिर वो पोता आ जाता है बीच में जिसको माँ मिल जाती है,
एक ट्राई एंगल था बहुत अच्छा, और उसके लिए मैं बहुत परेशान थी कि इसमें बड़ी पक्की आर्टिस्ट चाहिए। फिर मैंने रेशम से बात की, मैं कहा ये मैं गारंटी से कहूँगी कि तुम्हें इस फिल्म में अवार्ड मिले इंशाल्लाह। और वाकई उसने बहुत अच्छा काम किया इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। इस फिल्म का नाम तड़प है, और बल्कि मैं अपने तमाम देखने वालों से कहूँगी कि बेहद इसरार करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाइएगा ये फिल्म देखने, क्योंकि जब भी हमारे मुल्क में कभी अच्छा काम करने की कोशिश की जाए तो मैं समझती हूँ हम सब की जिम्मेदारी है पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि हम उस काम को कम अज़ कम जाके अप्रिशिएट ज़रूर करें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि स्टोरी में तो नदीम, रेशम और बबरक थे, फिर लैला की लड़ाई किसके बीच में शुरू हुई? लैला और इमरान रोज इनका कपल है, बबरिक और शीबा का कपल है, मतलब एक लव स्टोरी तो साथ में चलती है, लेकिन मेन कहानी इन तीनों पे है। इसमें सऊद भी हैं जो रेशम के खावन का रोल कर रहे हैं, लेकिन वो एंड पे अपने आप को शूट कर लेते हैं। यानी मेन कहानी को छोड़ देते हैं, साइड कहानी पर आते हैं। सुना तुमने शादी कर ली, कितना अर्सा हो गया शादी किए हुए? तकरीबन 8 महीने। माशाल्लाह, कैसी चल रही है इनिशियली? अभी 8 महीने में तो अच्छा ही चल रहा होता है सब कुछ। कुछ वक्त चाहिए होता है, मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे ये बताओ कि कैसी लव मैरिज थी या अरेंज थी? अरेंज मैरिज। हाय हाय, इतना नहीं हुआ कि कार्ड ही भिजवा देते अबरार। हमारे शादी के कार्ड चोरी भी हुए हैं इस बार। होए होए। और वो जो बहुत सारे लोगों को हमने भिजवाए और वो नहीं पहुंचे उन लोगों को, और बहुत सारे लोग जो कि हमारे मेहमान थे, और हमें बड़ा अच्छा लगा उनको भी रिसीव करके। तकरीबन 5,000 के करीब लोग आए और बड़ा अच्छा लगा, और वो भी बड़े हमारे लिए काबिले सादे तराम। 5 लाख तो मेरे खर्च हो गए ना बीच में, तो इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए कार्ड चोरी करवाने के लिए। अच्छा, हायर किए थे ना 2 लड़के। अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया वैसे लोगों ने। सिर्फ 5 लाख ही लगे मेरे, लेकिन चलो शादी फिर भी हो गई। हाँ, मुबारक हो अबरार। थैंक यू। है जानी तुम सहारा देने में इतने बिजी हो, मैं सहारा लेना चाहती हूँ, मुझे सहारा दो। तुमने एल्बम रिलीज करनी है, म्यूजिक बनाने में तुम्हारी मदद करूँगी। वी मेक ग्रेट म्यूजिक टुगेदर। श्योर, व्हाई नॉट। बहुत अच्छा होगा हमारा म्यूजिक। आप आए, एस्थेटिक सेंस आपकी बड़ी अच्छी है, हम आपसे मशवरा जरूर ले सकते हैं। तो आप मॉडल लीजिए ना इनको अपनी किसी वीडियो में। श्योर, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड आइडिया। हम नवाजी इतनी स्मार्ट, इतनी हसीन है, इट्स अ गुड आइडिया। मेरे पास हाँ ऐसे आइडिया तो सीरियसली इफ शी एग्रीज। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। हाय देखो संगीता, तुम क्या मेरे घर आई? मेरे घर तो ऑफिस पे ऑफिस आने लगी। इसीलिए कहते हैं बड़े फिल्मी लोगों के साथ दोस्ती का बड़ा फायदा होता है। ये तो है, है ना। अच्छा, आगे के क्या इरादे हैं? कोई आज के किस फिल्म में काम कर रही हो? ज़्यादातर तो पंजाबी मूवीज हैं, तकरीबन 1-2 कंप्लीट हो गई, बाकी 3-4 सेट पर हैं, और इंशाल्लाह गर्मियों में एक बड़ी ज़बरदस्त उर्दू मूवी बनाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, तरह तरफ बनाएंगे इंशाल्लाह। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है टेलीविज़न के ड्रामों पे, इंडियन एक्टर्स भरपूर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कोई शो, कोई ड्रामा इंडियन एक्टर्स के बगैर मुकम्मल नज़र नहीं आता, जिसका मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे बहुत अफसोस है। बिल्कुल सही बात। आप ही बताएं कि ये ट्रेंड कहीं फिल्मों की तरफ भी तो नहीं आएगा? लग रहा है मुझे, जिस तरह मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन दी है ताजमहल मुगले आज़म को, सोनी महवाल को, मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल में कि आपस में जॉइंट मतलब फिल्में जिस तरह बन रही हैं कि वहाँ के कुछ आर्टिस्ट कुछ यहाँ के, तो होगा ये। और क्या ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा संगीता? एक शर्त पे अच्छा होगा कि एक फिल्म हमारी वहाँ जाए और वो चले, ये ना हो कि वो वहाँ जला दें प्रिंट और सिर्फ उनकी फिल्में यहाँ आती रहें, वो अच्छा नहीं होगा, वो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ तो यही है ना कि एक फिल्म हमारी वहाँ जाए, रिलीज़ हो और अच्छे प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो, जिस तरह उनकी फिल्म हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। पर जान, उनकी फिल्में बनती 40-40 करोड़ में जी, तुम लोग की फिल्में बनती 2-2 करोड़ में। जब ओपन कॉम्पिटिशन में जाओगे तो तुम्हारी ख्याल में सस्टेन कर पाओगे? नहीं, अगर हम इस तरह जाएंगे तो फिर हमारी फिल्म का बजट भी और होगा, क्योंकि हमें एक पूरा इंडिया मिलेगा, तो हमारा बजट भी ज़्यादा बढ़ जाए। उनके लिए तो एक छोटा सा मुल्क वैसे देखें बेगम नवाजिश के, उनका इतना बजट होता है, बजट बहुत, उसके बावजूद वो फिर भी फांसी दिखाते हैं। हमारे इतना कम बजट होता है, फांसी यहाँ भी है लेकिन फिर भी कम बजट में भी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो ये बड़ी बात है कि कम बजट में कुछ करके हम लोग दिखाते हैं। असल में पंजाबी मूवीज़ जो है ना वो सिर्फ लो तबका देख रहा है, जेंट्री तो कोई आ ही नहीं रही फिल्म के लिए। हम ये फिल्में जो बना रहे हैं सिर्फ इनके लिए बना रहे हैं,
तो जब उनके साथ हमारा हो जाएगा तो फिर एक बड़े लेवल की फिल्में बना करेंगे, जो हमारे यहाँ पर भी जो जेंट्री है वो आएगी फिल्म। है जान, तुम्हारी फिल्म जब मैं आऊँगी ना तो जेंट्री तो जेंट्री प्रेसिडेंसी भी आएगी, हर कोई आएगा, बुश क्या और कोई क्या, सभी आएंगे। तुम्हें बड़ी ऑफर्स आई होंगी इंडिया से अब्रॉड? मुझे फिल्म्स की ऑफर आई, फिल्म्स की ऑफर आई एंड यू टर्न्ड देम डाउन? मैंने नहीं किया, मैंने पाकिस्तान में भी नहीं करना था, मुझे फिल्म करना ही नहीं थी इनफैक्ट। उसकी कोई खास वजह? टू बी ऑनेस्ट, फैमिली से म्यूज़िक की परमिशन मिल गई है, ये काफ़ी बड़ी बात है। मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा, हालांकि ये इतने ज़बरदस्त आर्ट्स हैं, हमारे इनको प्रमोशन मिल रहा है और मिलना चाहिए, कुछ चीज़ें इवन हमारी सिंगिंग भी, दे आर स्टिग्मेटाइज्ड फॉर सम रीजंस, लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ और आई वुड लव टू, लेकिन कुछ बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं कर सका। ऑफर्स थी मुझे यहाँ से भी और बाहर से भी, मगर मैं नहीं कर सका। जान चाहो तो मैं ऑडिशन कर सकती हूँ, तुम्हारे एक्टिंग टैलेंट्स को गेज भी कर सकती हूँ। देखिए, एक्टिंग तो इनकी वहाँ नज़र आ जाती है जहाँ ये वीडियो करते हैं, तो एक्टिंग तो वो वही एक्टिंग है। आपको लगता है बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ऑफ कोर्स अच्छा काम है। सबसे मुश्किल काम होता है गाना पिक्चराइज करना, जो ये कर चुके तो आधी से ज़्यादा मंजिल तो तय कर चुके, रास्ता तो तय कर चुके, मंजिल के इतने पास खड़े हो, इतने पास खड़े हो कि सामने बढ़ के छू सकते हो मंजिल को। लेकिन ऑडिशन इन्होंने करना ना, आपने करना नहीं है। संगीता, अप्रूव तो मैंने ही करना है, बता दो लड़के को, अप्रूव तो मैंने ही करना है। लड़का तो ओके है, लेकिन फिल्म नहीं ना करनी मुझे। आई वॉज इन इंडिया एंड मैं तो इतनी खुश हुई, इतनी इम्प्रेस्ड हुई कि हमारे सब के सब, ऑल दी सिंगर्स इंक्लूडिंग अली जफर एंड आतिफ, ऑफकोर्स अब्रार बीइंग ऑन टॉप, हर कोई माशाल्लाह वहाँ पे इतना मकबूल है। अब्रार, एक बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि सब लोगों ने, जितने नए लड़के हैं काफ़ी सारे, जाके इंडिया में सॉन्ग्स रिकॉर्ड करा के आए वापस, उन्होंने वहाँ पे फिल्मों के लिए भी गाया, आपको भी ऑफर्स आती होंगी, आपने इंडिया में जाके क्यों नहीं गाया? कोई ख़ास वजह नहीं है, मगर मुझे पाकिस्तान से ही ज़्यादा फुर्सत नहीं मिली, और जैसे जब से सहारा ट्रस्ट बना तो इंटरनेशनली, जिसमें मैं अमेरिका और कनाडा और बर्तानिया में ज़्यादा कॉन्सर्ट करता रहा, जो हमारी एक बड़ी रिच मार्केट थी, जहाँ से हम फंड्स लेके आते थे और हॉस्पिटल को सपोर्ट करते थे और करते हैं, मैं उस तरफ ज़्यादा बिजी हो गया। इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे लोगों को करना चाहिए, और लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे बताओ अब्रार, के बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई, दो खूबसूरत लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तो खैर तीन हुई, हाँ वही मैंने कहा अपने मुँह क्या, मैं तारीफ कर ली। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि लाहौर में मैं किसी संजीदा चीज़ के मूड में नहीं, बल्कि इस दफ़ा मैं ये सोच कर आई थी कि मैं लाहौर की शरारत को, लाहौर की हरारत को महसूस करूँगी, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो, तो मुझे लाहौर की वो क्या ख़ास चीज़ है जो दिखाने लेकर जाओगे? या सबसे बेस्ट जगह लाहौर की जो है, उस पर तो आप इस वक्त मौजूद हैं, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की हवेली, जो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ का मरकज़ है, और सबसे आई वुड से कि जो सबसे राइट शख्स हैं वो भी जो हैं, जो आपको यहाँ की रौनक दिखा सकते हैं। हमारे साथ चलेंगी तो आपको मरीज़ों से भी मिलना पड़ेगा, हो सकता है अगले दिन हम आपको बालाकोट ले जाएं, और जो मरीज नहीं होंगे मुझे देखकर वैसे ही मरीज हो जाएंगे। इश्क़ कर बैठेंगे बेचारे, फिर मैं इनको कैसे बताऊं कि जान मेरी आदत दिल तोड़ने की नहीं, मुंह तोड़ने की है। I'm a confident girl. I'm a very confident girl. But you must go to Muzaffarabad and Balakot. आप मुँह तोड़ने की नौबत नहीं आएगी, वो शरीफ लोग हैं, और मेरा ख्याल है आपसे मिलकर बड़े खुश होंगे। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी होगी। ले चलो ना, ले चलो ना अब्रार, मैं अकेले तो नहीं जा सकती इस उम्र में, अब सोचो कैसे जाऊँगी मैं। आएँ और हम आपके साथ चलते हैं ना। चलो, आज से मतलब रात को बैठ के हमें प्लान भी तय करना पड़ेगा, पैकिंग भी करनी पड़ेगी, हाँ, है ना, प्रोग्राम के बाद ना। बहुत ज़रूरी है, तुम्हें तो घर जाना होगा ना, देर हो रही है ना, हाँ तुम्हारे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, संगीता को भी घर जाना होगा, बस अब रात में बैठ के आराम से पैकिंग कर लेंगे। बिल्कुल सही है। संगीता, दैट रिमाइंड्स मी, कविता कहाँ है आजकल? कविता अमेरिका में। कैसी है कविता? बहुत अच्छी, मैं तो उसको इतना याद करती हूँ कविता को, आई वॉज सो वेरी फॉन्ड ऑफ कविता। हाउ इज शी डूइंग? खुश है?
बहुत अच्छी, बहुत खुश है, मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मुझे यकीन है, बहुत ज़्यादा। मेरी आंख से एक आंसू निकलता है ना, क्यों रो रही हो, क्या बात है, खुद भी रोना शुरू कर देती। मेरी बहुत कम बहनों में मैं पहले भी दर्द की बात की, आंसू की बात की, किस बात पे आंसू बहते हैं संगीता? कम ऑन, यू कैन शेयर इट विद मी, आई एम योर फ्रेंड, किसी से नहीं कहूंगी। ये बहुत खुले दिल की है और हाँ, कौन याद आता है, खुली किताब है, कौन याद आता है, कोई तो याद आता होगा जो मुझे छोड़ के आज भी मेरे पास आए। आपके साथ तो कोई ऐसी कैफियत नहीं है ना? नहीं, बड़ी इंटीमेट गुफ्तगू जारी रखे, हम एंजॉय कर रहे हैं। देखो जरा इसको, देखो इसको, तीन खवातीन मिल गई है बैठ के कंसुविया लेने के लिए ना सारी। अच्छा अपनी बताओ ना, तुम्हारे साथ कोई बैगेज नहीं है ना एसोसिएटेड? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम्हारा हाथ पकड़ तो सिर्फ तुम्हारा ही हाथ पकड़ूंगी ना, माजी के साथ तो हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा ना। टेल मी ना, देयर इज नो साइलेंट पास्ट, बच्चे को खराब मत करो। संगीता लुक एट ट्राइंग टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, बड़ा शरीफ बच्चा है जैसे, है ना, सब इसके तो हम भी गवाह हैं। हमने आज तक नहीं देखा कोई स्कैंडल, कोई इस तरह से नहीं, बस देखो यही हुआ, अपना काम करते हैं। लोगों की क्या क्वालिटीज अब्रार उल हक के दिल को छूती हैं? वुड यू लुक फॉर इन पीपल? खुला डुल्ला होना चाहिए बंदे को, खुला डुल्ला, ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं तो बहुत ही खुली डुल्ली हूं, तेरे सामने हूं, तेरे सामने हूं, तेरे सामने, हां मेरे सामने। और देखो साड़ी भी ढलक गई। और ऑनेस्ट और शरीफ भी होना चाहिए। वो भी है। तो क्या आप मेरे कैरेक्टर में भी उठा? आपने क्वालिटी पूछी थी ना, तो मुझे कवर से थी। नहीं तो उसमें मुझे तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। असल में इब्रार इनका कसूर नहीं हो रही है, मैं बड़ी ऑनेस्ट नहीं है, मैं तो बड़ी बेबाक हूँ, बड़ी ऑनेस्ट। आप क्यों कह रही थी संगीता? पता है क्या, मैं ये समझती हूँ कि इसमें आपका कसूर नहीं है, आप बिल्कुल यंग एज में बेवा हो गई है इसलिए। नहीं बल्कि बल्कि ये कह सकते हैं कि संगीता जी अब ये मेवा हो गई है। I Johnny, are you such a darling? I tell you, आज तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन खुश्क मेवा नहीं है ना? हाँ मेरी चार, हाँ मेरी चार, हाँ मेरी चार। बस अब अगले तीन दिन तुम मेरे साथ साथ रहना है। मैं साथ हूँ। बसंत के तीन दिन हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। Coming back and bringing the same question to you, क्या वो चीज़ है जो तुम्हें हमारे दिल को टच करती हो? मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलने से उनकी शख्सियत सारी ख़त्म हो जाती है, और एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन संगीता जो जो जिस बिज़नेस में हम हैं, मतलब जिस बिज़नेस में तुम हो, फिल्मों की बिज़नेस में, तुम्हारे ख्याल में क्या फरेब, बहुत ज़्यादा फरेब धोखा नहीं है? देखने में लगता है कि बहुत कुछ होगा लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इनोसेंट लोग हैं और सिर्फ काम से काम रखते हैं। बाहर की दुनिया समझती है फिल्म इंडस्ट्री एक हवा है, खौफनाक और पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छे लोग। मेरी सारी ज़िंदगी, मेरा बचपन, मेरी जवानी यहीं गुजर गई, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं मरूँ भी तो यहीं मरूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से इतना प्यार है। अच्छा सबसे ज़्यादा प्यार किससे? हु इज़ योर फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तान, जिसके साथ काम भी किया हो और जिसके साथ काम करने में बहुत लुत्फ आया हो, या काम ना भी किया हो, हु इज़ दैट वन एक्टर जो बहुत पसंद है? शान बहुत अच्छा है। शान बिल्कुल बच्चों की तरह, मैं उसे डांटती भी बहुत हूँ, लेकिन जब वो काम पे आता है, उसकी एक क्वालिटी है कि जब वो काम पे आता है तो फिर वो काम के अंदर घुस जाता है। यही बात अच्छी होती है ना, कि आप अगर अपने काम के लिए आए हो तो उसके अंदर ही समा जाओ, और जो काम से प्यार करता मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने आज एक शर्त रखती है वैसे अब्रार को देखकर, और शर्त ये है कि तुम्हारी फिल्म में तब काम करूँगी जब हीरो अब्रार होगा। लो अब इसको किस तरह मनवाना है फिल्म में काम करने के लिए, ये स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी। ये फिल्म में काम करना ही नहीं चाहती हूँ। हाय मैं तो बहुत चाहती हूँ अब्रार काम करना। शर्त ना रखें। अच्छा अब्रार, बसंत का मौका है, खूबसूरत मौसम है, अगर मैं और इतने खूबसूरत लोग तुम्हारे साथ, इतने खूबसूरत लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं, ऑफकोर्स तो मुझे बताओ कि हमारे लिए कोई, अगर मैं कहूँ मेरे मुझे देखकर या हमें देखकर कोई एक गाना जो मुझे पंजाब की याद दिला दे, हमारी इस महफिल का, हमारी इस शाम का,
मजा तो पैदा कर। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूरख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूरख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, तुझ हम संग जिन बोल जिहरबा, और न संग दिया हसत बोलत हो, हमसे कनत तुम्हारा। तुझ हम संग जिन बोल पिहरबा, और न संग पिया हसत बोलत हो, हमसे गरन तुम्हारा। तुझ हम संग जिन, तुझ हम संग जिन, तुझ हम संग जिन बोल पिहरबा। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये सुर है सात सुरों का, को वो मूरख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर को। बहुत बहुत और कितनी सही बात है ना कि जग में अगर संगीत ना होता, अगर हम देखें तो कायनात की हर चीज के अंदर म्यूजिक है। इवन ये चिड़ियाँ जो यहाँ पे चहचहा रही हैं, इनका भी एक ख़ास स्केल है और ख़ास सुर है जो हमारे अनकॉन्शियसली हमें हमें एक सूदिंग सा वो एक तासर दे रहा है। अच्छी बात है। अबरार, मैं तुमसे मौसीकी सीखना चाहती हूँ, तुमसे गाना सीखना चाहती हूँ, सिखा दोगे ना? पहले तो आप खर साहब से सीखे ना जाके, जो आपने शुरू किया है अभी, उसके बाद तो बड़ी जितने प्रोग्राम्स मैंने आपके देखे हैं और जितनी कमिटमेंट्स आपने लोगों से कर ली हैं, मेरी बारी तो बड़ी दूर जा रही है। अरे अब बोले हो तो वो सब तुम्हें झूठ मुंह पे कर रही थी। सबको ये कहती हैं, क्या पता ये भी झूठ हो। सबको ये कहती हैं, और संगीता जी को झूठे आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शुक्र है मैं झूठी आदमी नहीं हूँ, झूठी औरत हूँ। आप लोगों की इंडस्ट्री के अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने खबरों में देखा, अखबारों में देखा कि किस किस्म की हाथापाई, एक दूसरे के साथ गाली गलौज, एक दूसरे को जलील करना। आप लोगों के बीच में यूनिटी, आप लोग क्यों एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाते जहां सब लोग इकट्ठे होकर ये फैसला कर लें कि हमने सब ने मिलकर इसको अपने काम की इज्जत करनी है और इसको हालात को बदलना है? हमारे दौर में बड़ा अच्छा था, बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की, और अगर जेलेसी होती भी थी तो वो दिल में होती थी। ये नहीं होता था कि सामने हाथापाई शुरू हो जाए। और ये जो नेशनल अवार्ड में हुआ, बहुत गलत हुआ। मैं तो उसी वक्त उठ के चली गई थी। फिर उनका जी शुरू हो गया, मैं कहा मैं नहीं देखना चाहती अभी। कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, आप उसको ओपन मत करें पब्लिक के सामने। वहाँ तो एक मतलब बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, ये तो बड़े हैं, समझदार हैं, इनको एक जैसा होना चाहिए। आप ये देखिए ना, फैमिली अलग अलग होती है, लेकिन जब कोई दुश्मनी होती है तो सारी इकट्ठी हो जाती है अपने इख्तलाफात एक साइड पे रख के। यहाँ है ही नहीं, एक दूसरे की टांग खींच रहे, और इस वजह से इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल नीचे जा रही है। आई नो जानी, पर तुम ठीक क्यों नहीं करती इनको? मैंने सुना है कि तुम बड़ी दादी हो और जब जरूरत पड़ती है तो चार छः लगा भी देती हो। हाँ वो तो है। हाँ
किसको लगाया बताओ ना मुझे, इसकी वजह क्या बात है? बहुत सारा अरे जोर जोर के मारती है बहुत, बालों से पकड़ पकड़ के मारा तो प्यार से कह रही है ना, बालों से पकड़ पकड़ के उसमें भी एक मतलब प्यार है। प्यार से मारती है। And my phone had to start vibrating. I don't know who puts it on vibrating every time. Just a second, darling. Hello? पता नहीं कौन है? बोली मीरा। नवाज, जानी। Love you, miss you. Same here, जानी। Love you too, same to you, of course, जानी। हाँ, क्या बताऊँ जान, दिल का क्या हाल है? हाय हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी नवाज। हाय जानी, मुझे पल पल है तरसाए, तेरी दो टकिया दी डील विच, मेरा लाखों दा बसंत जाए। अच्छा जानी, सच बताओ, कोई बसंत बसंत का प्रोग्राम बनाया लंदन में? मुझे बताओ, अभी टिकट पटकट कटा के पहुंच जाती हूँ तुम्हारे पास। एनीथिंग फॉर यू, एनीवेयर, एनी टाइम जानी। क्या कहा? लंदन में गुड़िया और पतंगे नहीं मिलती? कोई बात नहीं, पेचे तो लड़ सकते हैं ना। हाँ, मैं कटी पतंग की तरह तुम्हारी गोद में तो गिर सकती हूँ ना। हाँ, हाय सच कहती हूँ नवाज, तुम क्या गए, दिन रूठ गए हैं बाहर के। हाँ जानी, तुम्हारे बगैर लाहौर आना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आईफिल टावर के बगैर पेरिस जाना। क्या कहा? हाँ जान, नो थ्रिल्स। अच्छा ये बताओ, पिंकी से मिले? अपनी बहन से? बहनोई साहब के क्या हाल हैं? बेचारे की कमर ही टूट गई। आई वंडर व्हाट यूज ही वाज पुटिंग हिज बैक टू इन दैट सिक्योरिटी सेल। हाँ अच्छा बताओ, लाहौर से क्या भिजवा? हाँ सोच लिया, संगीता की बनाई हुई फिल्मों की सीरीज भेजती हूँ तुम्हें। हाँ वैसी हसीना देखकर तो लंदन की बर्फ वैसे ही पिघल जाएगी। सेंट्रल हीटिंग स्विच ऑन खुद ब खुद हो जाएगा। अभी भिजवाती हूँ वैसी हसीना। हाँ संगीता आई बैठी है। हाय जानी, ठंडी ठंडी सांस से ना भरो। हाय नवाज, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? अगर गुड़ियाँ पतंगे उड़ाने का शौक था तो किसने कहा था कि उड़ते हुए जहाज़ों को रोक दो? हाय अब भुगतो, जहाज़ों से पीछा लड़ाओ। हाँ आई हैव टू गो, आई हैव फ्रेंड्स सिटिंग हियर जान। Will call me. I'll call you later. I'm missing you in Lahore anyway. Bye. Hi, sweet old Nawaz. You know, very naughty and yet very sharif. बहुत पसंद करते हैं मुझको. आप किसको पसंद करते हैं अब्राज? Politically speaking, you must मैं have तो पूरे पाकिस्तान को पसंद करता हूँ जी. I have no political. But being now involved in something which is a social cause as such, और कहते हैं कि sociology और पॉलिटिक्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। सो यू सीन गवर्नमेंट्स कम इन एंड गो आउट, किसके साथ उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है? नहीं, उम्मीद तो आपकी सबके साथ वाबस्ता होती है, जो भी गवर्नमेंट आती है पॉलिसीज़ आती हैं। मैं समझता हूँ हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि एक्सपोर्ट भी होती हैं और जो लोग उन पर अमल दरामद करते हैं वो बड़े कामयाब भी रहते हैं। अल्लाह करे अगर हमारे मुल्क में हमारी पॉलिसीज़ फॉलो होना शुरू हो जाएँ, उनको इम्प्लीमेंट उनको किया जाए तो मुल्क तरक्की कर सकता है। और पूरी अवाम, पूरी कौम की तरह मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हर कौम के साथ, हर हुकूमत के साथ डेवलप हो जाती हैं और मौजूदा हुकूमत के साथ भी हैं, और लगता है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हमारी दुआएँ सिंसेयर लगते हैं मुझे। लोग जब बात करते हैं तो सिंसेरिटी नज़र आती है। तो हम चूँकि पाकिस्तान के लिए सोचने वाले, मरने वाले लोग हैं, इसलिए जब कोई पाकिस्तान का नाम लेता है हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल को बात भली लगती है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है। प्राज, सियासतदानों में कौन पसंद है? इसका नाम ना लेना क्योंकि ये वाला मुझे पसंद है। सियासत में जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे सियासतदार हैं, उनमें कौन अच्छा लगता है? आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑल माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। मुशर्रफ साहब पसंद है। उसकी कोई खास वजह? बस पता नहीं क्यों वही अच्छे लगते हैं।
मैंने भी पहला वोट मुशर्रफ साहब को दिया था। हाँ हाँ, उस वक्त जो कासिम ज़िया साथ बैठे थे तब तो कुछ अलग ही बात करी थी। मुझे कि मेरे लिए भी पसंद है, नवाज शरीफ भी पसंद है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है वो पसंद, मैंने कहा मेरा सबके साथ मिलना है, सबके तरफ मेरा जाना है। और मैं एक पाकिस्तान का फनकार हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, वो मैंने परवेज मुशर्रफ को दिया। ये चलो, मेरे ख्याल में ख़वातीन का मुश्तरका उम्मीदवार परवेज मुशर्रफ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, हमारी दुआएं उनके साथ। पाकिस्तान के लिए जो इंसान भी अच्छा काम करे, हम तो उसके लिए दुआ करें। बात ये जितनी भी हमारी फॉरन पॉलिसी है इस वक्त मुल्क की, बड़ी बेहतर है और जन साहब ने उसके ऊपर बड़ा काम किया सदर साहब ने, और क्रेडिट जाता है उनको। 9/11 के बाद सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी, पाकिस्तान जो था जिस जिन मसाइल में घिरा हुआ था, अगर आप उसका स्टडी करें वो डीपली, तो आपको लगता है वाकई कि हम क्राइसिस से निकले। तो द क्रेडिट गोज़ टू आवर लीडर। आई टोटली एग्री दैट। यू नो संगीता, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर, लवली सीइंग यू, लवली मीटिंग यू आफ्टर सो मेनी डेज, एंड यू कंटिन्यू टू लुक एब्सोल्युटली डैज़लिंग। जान, यू लुक ब्यूटीफुल। अबरार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मच, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।